Good morning, class 3. Today we will study lesson 11, People at Work. We see many people around us in day-to-day life. हम रोज कई सारे लोगों को अपने आसपास देखते हैं. We see a postman, milkman, sweeper, washerman, doctor, teacher, architect, banker, policeman, watchman, etc. देखते हैं कि नहीं आप लोग इन सबको? हम डेली देखते हैं ना? दे सर्व अस इन डिफरेंट वेज. ये अलग अलग तरीके से हमारी सहायता करते हैं. दे ऑल हैव सम स्पेसिफिक वर्क टू डू. इन सबके पास इन सबका एक अलग अलग काम है जो ये लोग करते हैं. दे वर्क टू अर्न देयर लिविंग्स. ये अपनी लिविंग्स के लिए यानी अपने रहने के लिए अर्न करते हैं, कमाते हैं. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और जो जो काम पैसे कमाने के लिए रहने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं. Now, come on, time to do. Look at these pictures. Write the names of these people who work in school. ये picture देखो और इनके नाम लिखो जो school में काम करते हैं. ये क्या है? Guard है ना? ये क्या है? Sweeper. ये क्या है? Teacher. ये क्या है? Servant. So you have to write here their names. ये आपका HW है. Now, work outside. यानी जो बाहर काम करते हैं. Some people work to make things for us. कुछ लोग काम करते हैं हमारे लिए चीज़ें बनाने के लिए. Let us read about the work done by different people. अलग अलग लोग जो काम करते हैं उनको पढ़ते हैं. We need clean clothes to wear. हमें साफ कपड़े चाहिए पहनने के लिए. Our dirty clothes are washed by a washerman. हमारे गंदे कपड़े कौन धोता है? Washerman. A barber cuts our hairs in a saloon. Barber saloon में हमारे क्या काटता है? बाल काटता है. We eat different kinds of grains, pulses, cereals, fruits and vegetables. हम कई सारे प्रकार के ये अनाज दालें हैं ना और ये सारी चीज़ें fruits, vegetables खाते हैं. तो ये सब कौन उगाता है? They all are grown by farmers on farms. ये सारी चीज़ें farmer जो है, किसान जो है, वो कहाँ उगाता है? अपने farm पे उगाता है. एक carpenter makes furniture for us. Carpenter हमारे लिए क्या बनाता है? Furniture बनाता है. He uses wood to make furniture. वो लकड़ियों का इस्तेमाल करता है किस लिए? फर्नीचर बनाने के लिए. ये पिक्चर दिख रही है ना? वॉशरमैन, बार्बर, फार्मर, कारपेंटर. When our shoes and sandals break, जब हमारे शूज और सैंडल टूटते हैं, we take them to the cobbler. हम उसे कहाँ ले जाते हैं? कॉबलर के पास. He mends our shoes and sandals. वो हमारे शूज और सैंडल को बनाता है. And architect designs bridges, roads and buildings. और architect क्या डिजाइन करता है? ब्रिज, रोड और buildings. Bakers bake breads and cakes. Baker जो है वो ब्रेड और केक बनाता है. Tailor जो है stitch cloth, कपड़े सिलता है. Goldsmith make ornaments of gold. Goldsmith जो होता है सुनार, वो क्या बनाता है? गोल्ड के ornaments बनाता है. सोने के मतलब सोने के हीरे जवाहरात, मतलब सोने का सामान बनाता है ना, सोने की ज्वेलरीज बनाता है. Potters make earthen pots. जो potters होते हैं वो क्या बनाते हैं? Pots, दियाज etc. बनाते हैं. He uses potter wheel. वो potter wheel का इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने के लिए. Masons build houses and weavers weave clothes. जो masons होते हैं वो houses बनाते हैं, घर बनाते हैं, और weavers जो हैं वो कपड़े सिलते हैं. Some of them need education and some take training to acquire the skills required to do their work. कुछ education लेते हैं यानी कुछ पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं? Training करते हैं कि जो काम उनको करना है उसमें उन्हें अच्छे से वो चीज़ आ जाए. तो उस चीज़ की वो क्या करते हैं? उस चीज़ की वो training लेते हैं. यहाँ पे देखो कितनी सारी pictures दी हैं ना. ये कौन है? Tailor. ये cobbler, potter, architect, weaver. ये कौन है? बेकर. सम पीपल सर्व अस डेली. कुछ लोग हमें रोज सर्व करते हैं, जैसे यानी रोज हमारी सहायता करते हैं. जैसे द मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क फ्रॉम डोर टू डोर. मिल्कमैन जो है वो मिल्क डिलीवर करता है डोर टू डोर. न्यूज़पेपर मैन जो है वो न्यूज़पेपर्स बांटता है फ्रॉम हाउस टू हाउस. ग्रीन ग्रॉसर जो है वो पुशेज हिज कार्ट ऑफ वेजिटेबल्स, अपने वेजिटेबल्स का ठेला लेके. रोमिंग एंड शाउटिंग लाउडली, घूमता हुआ तेजी से चिल्लाते हुए. टू सेल हिज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अपनी सब्जियों और फ्रूट्स को बेचता है. वी लाइक टू लीव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट. हम सबको क्लीन एनवायरनमेंट रहना पसंद है. अराउंड आर हाउस, हमारे घर के आसपास हम चाहते हैं कि सफाई हो, है ना. द स्वीपर क्लीन्स द स्ट्रीट्स आउटसाइड आवर हाउसेज. हमारे घर के बाहर की स्ट्रीट्स को, सड़कों को कौन साफ करता है? स्वीपर साफ करता है. नीचे पिक्चर दिख रही है ना,
ये कौन है? मिल्कमैन, ये न्यूज़पेपर मैन, ये ग्रीन ग्रॉसर, और ये कौन है? स्वीपर। अब फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स बकेट्स एक्सेट्रा। फ्लोरिस्ट जो है वो क्या बेचता है? फूल, गुलदस्ते एक्सेट्रा। स्टेशनर्स जो है वो बुक्स सेल करता है, नोटबुक्स और पेंसिल्स। सम पीपल रिपेयर थिंग्स, कुछ लोग चीज़ें बनाते हैं। वेन एवर आर साइकिल मोटरसाइकिल कार एक्सेट्रा डेवलप सम प्रॉब्लम वी टेक देम टू द मैकेनिक टू गेट देम रिपेयर। यानी कभी भी अगर हमारे साइकिल मोटरसाइकिल या कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम किसके पास लेके जाते हैं? उसको मैकेनिक के पास ठीक करने के लिए। देर आर डिफरेंट मैकेनिक्स, बहुत सारे मैकेनिक्स अलग अलग तरह के होते हैं अलग अलग साधनों के लिए। अब प्लम्बर रिपेयर्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। प्लम्बर जो है वो लीकिंग टैप्स और पाइप्स जिनमें से पानी गिरता रहता है बहता रहता है, तो प्लम्बर क्या करते हैं? उनको ठीक करते हैं। एंड इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? रिपेयर टेलीविज़न सेट्स फिक्स इलेक्ट्रॉनिक केबल्स एक्सेट्रा। टेलीविज़न बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स वगैरह सही करता है। ये कौन है? मैकेनिक, ये प्लम्बर, और ये कौन है? इलेक्ट्रीशियन। सम पीपल प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज, कुछ लोग बहुत ही यूजफुल यानी उपयोगी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, अ डॉक्टर ट्रीट्स अस, एक डॉक्टर हमारी देखभाल करता है। नर्सेज टेक केयर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, नर्सेज जो है वो पेशेंट्स की देखभाल करती हैं हॉस्पिटल में। अ पुलिसमैन इंक्वायर्स अबाउट एनी थेफ्ट और रॉबरी, पुलिसमैन जो है वो थेफ्ट या रॉबरी की यानी कुछ चोरी होती है या डकैती होती है तो उसकी यानी इंक्वायरी कौन करते हैं? पुलिसमैन करते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ आर सिक्योरिटी, वो हमारी सिक्योरिटी की सुरक्षा करते हैं। अब पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, पोस्टमैन जो है वो लेटर्स लेके आते हैं, पार्सल्स लेके आते हैं हमारे लिए। ही वेयर्स खाकी ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहनते हैं? खाकी ड्रेस। वी डेली गो टू स्कूल, हम रोज स्कूल जाते हैं। टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं हमें। पायलट फ्लाई एरोप्लेन्स, पायलट्स जो हैं वो एरोप्लेन्स उड़ाते हैं। ये कौन है? टीचर, डॉक्टर, नर्स, पोस्टमैन, पुलिसमैन एंड पायलट। ओके, चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। देयर पेरेंट्स सेंड देम टू स्कूल टू लर्न गुड हैबिट्स एंड एजुकेशन, उनके पेरेंट्स उनको किस लिए स्कूल भेजते हैं? पढ़ने के लिए और अच्छी आदतें सीखने के लिए। देयर आर सम अनलकी चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, लेकिन कई सारे बच्चे अनलकी होते हैं यानी जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज वर्क इन होम्स, बहुत सारे बच्चे पुअर फैमिलीज़ के, गरीब फैमिलीज़ के, जिनके पास पढ़ाने का पैसा नहीं होता है, वो क्या करते हैं? घरों में काम करते हैं, डूइंग हाउस वर्क, घर के काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं लैंड ओनर्स की। इवन टुडे, आज भी सम चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू अर्न मनी, कई बच्चों को पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। दे पिक रैग्स, वो कूड़े चुपते हैं, मेक ग्लास बैंगल्स बनाते हैं, नॉट कारपेट्स बनाते हैं, सिल्क साड़ीज बनाते हैं, क्रैकर्स पटाखे बनाते हैं, पॉलिश जेम्स, वर्क इन फीस, खेतों में काम करते हैं एंड होम, और सेल थिंग्स ऑन स्ट्रीट या सड़कों पर कुछ सामान बेचते हैं। दे वर्क इन अनहेल्दी प्लेसेस, वो अनहेल्दी प्लेसेस पे काम करते हैं। देयर बॉडीज आर बेंट वर्किंग इन स्मॉल डार्क प्लेसेस, छोटी और डार्क प्लेसेस पे काम करने से उनकी जो बॉडीज हैं वो कैसी हो जाती हैं? बेंट हो जाती हैं, झुकी मुड़ी हुई हो जाती हैं। सम टाइम दे डाई ड्यू टू डिजीजेज, और वो डिजीजेज यानी बीमारी की वजह से कई बार मर भी जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर, इसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर बोलते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना आपको। अ बॉय वर्किंग एज अ हेल्पर टू मैकेनिक इन अ गराज, एक लड़का है जो कि हेल्पर के तौर पे मैकेनिक यानी गराज में हेल्प करवा रहा है ना, तो ये क्या है? ये चाइल्ड लेबर है ना। अ गर्ल वॉशिंग डिशेज, गर्ल क्या बर्तन मांज रही है ना, तो ये क्या है? ये भी चाइल्ड लेबर है। अ गर्ल सेलिंग फ्लावर्स ऑन रोड, देखा होगा ना इस तरीके से आपने, बच्चे स्ट्रीट साइड पे वर्क करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब गलत चीज़ें हैं ना, वी शुड नॉट डू, मतलब इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो यही सारे काम करते हैं अपनी लिविंग्स अर्न करने के लिए। नाउ कम ऑन लाइफ स्किल्स, वी शुड इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी वी शुड इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी सोच को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए किस चीज़ को लेके, कि जो बच्चे जिनको नीड है या केयर की ज़रूरत है ना, हम उनको प्रोटेक्ट करें और उनको एक अच्छी एजुकेशन दें। सर
सर्व मीन्स वर्क फॉर somebody, किसी और के लिए काम करना. स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर. एक्वायर यानी ऑप्टेन. स्ट्रीट यानी रोड यानी सड़क. ओके, नाउ कम ऑन क्विक रिकैप. वी सी मैनी पीपल अराउंड अस इन डे टू डे लाइफ. हम कई सारे लोगों को देखते हैं अपने आसपास अपनी रोज की जिंदगी में. सम पीपल वर्क टू मेक थिंग्स फॉर अस. कुछ लोग काम करते हैं हमारे लिए चीज़ें बनाने में. एंड आर्किटेक्ट डिजाइन ब्रिजेस रोड्स एंड बिल्डिंग्स. आर्किटेक्ट जो है वो क्या बनाते हैं, ब्रिजेस रोड्स और बिल्डिंग्स बनाते हैं. इवन टूडे, आज भी सम चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू अर्न मनी. कुछ बच्चों को काम करना होता है किसके लिए, अर्न मनी यानी पैसे कमाने के लिए. नाउ कम ऑन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सी नंबर वन, आर डर्टी क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई. हमारे गंदे कपड़े कौन साफ करता है, वॉशरमैन. अ कार्पेंटर यूजेस वुड टू मेक फर्नीचर. द डैश क्लीन्स द स्ट्रीट्स आउटसाइड आर हाउसेस, स्वीपर. नर्सेस टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल. अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स. नाउ कम ऑन फिल इन द ब्लैंक. नंबर वन, पुलिस टेक्स केयर ऑफ आर सिक्योरिटी. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. Masons build houses and weavers weave clothes. A plumber repairs leaking taps and pipes. A policeman inquires about any theft or robbery. Now, see match the columns. Number one, milkman. Milkman ka kya hoga? Milk. Plumber, taps, electrician, wire. Newspaper man, newspaper. Now, come on hard words of this chapter. पोस्टमैन, POSTMAN, जो हमारे लिए लेटर्स वगैरह लाता है. टीचर्स, TEACHER, जो हमें पढ़ाती हैं, है ना. फार्मर्स, FARMERS. स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट यानी रोड. व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स यानी साधन. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन. नंबर सेवन, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट यानी अलग अलग. लीविंग, LIVING, लीविंग यानी रहना. स्पेसिफिक, SPECIFIC. नंबर टेन, पेरेंट्स, PARENTS. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज ऑक्यूपेशन. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. यानी जो कोई काम किया जाता है पैसे कमाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट एनी फाइव पीपल हु वर्क आउटसाइड फॉर अस. जो बाहर हमारे लिए काम करते हैं. फाइव पीपल हु वर्क आउटसाइड फॉर अस आर वॉशरमैन, बार्बर, कारपेंटर, फार्मर, आर्किटेक्ट. हु डिलीवर्स लेटर फ्रॉम डोर टू डोर. अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर फ्रॉम डोर टू डोर. How does a green grocer sell his vegetables? Green grocer अपनी सब्जियाँ कैसे बेचता है? Green grocer pushes his cart of vegetables, roaming and shouting loudly to sell his vegetables. What is child labor? Child labor क्या है? Children from poor families work in homes. They pick rags, make glass bangles, knot carpets, weave silk sarees, make crackers, polish shoes. This is called चाइल्ड लेबर. यानी जो बच्चे पुअर फैमिलीज के होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, सारीज बनाते हैं, क्रैकर्स बनाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, चाइल्ड लेबर बोला जाता है ना. नाउ योर दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. ओके, थैंक यू क्लास.